गुड इवनिंग एवरी वन आज करते हैं फ्लीज बॉर्न डिजीज और उसमें करेंगे प्लेग बट प्लेग पर आने से पहले फर्स्ट वील सी ऑल दो हम कर चुके बट फ्लीज़ के बारे में हम थोड़ा सा करते हैं ये देखो ये जो है एक फ्ली का यू नो पिक्चर है इसमें आप देखो इफ़ यू सी फ्लीज़ आर स्मॉल विंगलेस इंसेक्ट्स राइट एंड दे बिलोंग टू ऑर्डर सिफेनोप्टेरा सिफेनोप्टेरा ठीक है इफ़ यू सी इनकी जो फीडिंग uh, हैबिट्स है दे आर हिमेटोफेगस हिमाटोफेगस का मतलब क्या है दैट दे आर ब्लड सकिंग हिमैटो का मतलब ब्लड होता है और फैगस का मतलब फीडिंग होता है तो ये जो फ्लीज हैं ये ब्लड पर फीड करती हैं ठीक है ठीके?

साइडवेज कंप्रेस्ड है कि फ्ली को जो है हेयर है या यू नो फेदर है या, या, और यू कैन से कि फर है उसके बीच में से मूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ठीक है हेड में आप देखो हेड इज गॉट सिंपल आई देर आर नो कंपाउंड आइज इट इज गॉट सिंपल आइज ठीक है ये आप देखो थोरैक्स है ये जो तीन सेगमेंट्स हैं ये थोरैक्स है थोरैक्स डजेंट हैंग्स ये विंगलेस है यानी कि ये विंगलेस भी कैसे विंगलेस है सेकेंडरली विंगलेस का मतलब क्या है कि यंग स्टेज में तो वो प्रेजेंट थे बट लेटर ऑन द विंग्स डिस और इसको विंग्स की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज ऑलरेडी इट इज लॉट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज ऑलरेडी देयर इट नीड नॉट टू फ्लाई और सर्च फॉर फूड आउटसाइड द होस्ट राइट इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द फूट ओके न बट आप देखो विंग्स इसके लेग्स देखो कित इट इज अगॉट थ्री पेयर ऑफ लेग्स फोर लेग्स है ये सेकेंड पेयर है या मिड लेग है या थर्ड पेयर है हाइंड लेग्स है हाइंड लेग्स इफ्यूसी देखो यहाँ से शुरू होते हैं हाइंड लेग्स कंपेरेटिवली काफ़ी यू नो वेल डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट टू पेयर और आप देखो इसके अगर लेग्स के क्लॉज देखो क्लॉज कितने वेल डेवलप्ड हैं इफ्यूसी दीज आर क्लॉज ये दिखाई दे रही ये क्लॉज है यहाँ पर भी आप देखो क्लॉज है और क्लॉज की हेल्प से क्या करते हैं ये होस्ट की बॉडी में स्टिक करके रखते हैं या क्लिंग करके रखते हैं राइट right? और 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 हाइंड लेग्स लंबे होने से क्या है दे आर वेल अडेप्टेड फॉर जंपिंग हाइंड लेग की हेल्प से ये जंप करते हैं होस्ट की बॉडी ठीक है अगर हम देखें तो जब द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ़ देर वैसे तो अराउंड पच्चीस सौ के करीब इसकी आ, फ्ली की स्पीशीज़ है बट उसमें से सबसे जो ज़्यादा जो कॉमन है वो है ओरिएंटल रैट फ्ली ओरिएंटल रैट फ्ली का जो साइंटिफिक नेम है वो है जेनोप्सिला राइट इसी तरह देर इज कैट फ्ली देर आर देर इज डॉग फ्ली देर आर डिफरेंट अराउंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड स्पीशीज आर देर राइट दिस वॉज अबाउट द वैक्टर फ्ली फ्लीज बॉन्ड डिजीज नाउ वी कम टू प्लेग लाइक प्लेग इज अ फ्ली बॉन्ड डिजीज प्लेग को इफ यू सी प्लेग इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक दिस ब्लैक प्लेग बिकॉज ये बहुत ही ड्रेडफुल और ख़तरनाक है इसीलिए इसको ब्लैक प्लेग भी बोलते हैं अब ये कॉज क्या, क्या है प्लेग का कॉज होता किससे है होता जो है इट अक्स ड्यू टू अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो प्लेग जो है बेसिकली वो एक बैक्टीरियल uh, डिजीज है और वो जो बैक्टीरिया है दैट इज यर्सनिया पेस्टिस मैं आपको दिखाती हूँ यरसिनिया पेस्टिस ठीक है इफ़ यू सी दिस इज द डायग्राम ऑफ यीन पेस्टिस ये आप देखो इस पे साइटोपलजम है इफ़ यू सी दिस इज क्रोमोजोमल्टी डीएनए ए द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ जो उसका होता है ना बैक्टीरिया का वो है ये जो बैक्टीरिया है इसको कहते हैं जूनॉटिक बैक्टीरिया जूनॉटिक बैक्टीरिया का मतलब क्या है कि जब कोई डिजीज एनिमल के थ्रू ह्यूमन बींग में स्प्रेड होती है ना उसे जूनोटिक बोलते हैं ठीक है तो ये जो है डिजीज है जूनोटिक है यानी कि ये बैक्टीरिया जो है एनिमल्स से ह्यूमन में आता है ठीक है और एनिमल भी कैसे स्मॉल एनिमल्स जैसे कि रोडेंट्स हैं माइस है रैट है इस तरह के जो एनिमल्स है ये ह्यूमन बींग में ट्रांसमिट होता है थ्रू फ्लीज और फ्लीज के इफ यू सी फ्लीज की बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में ये जो है रिजाइड करता है येस्टिस्ट कर इस अगर आप देखा जाए तो इसको हम वी कैन कॉल इट दिस होल प्रोसेस हाइपर पैरासिटिज्म आल्सो ना हाइपर पैरासिटिज्म कैसे कि जो पैथोजन है वो किसकी बॉडी में है फ्ली की बॉडी के अंदर और फ्ली जो है एक्टो पैरासाइट है किस किस पर से रैट पर राइट right. तो अब आप देखो कि ये जो आ, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हाइपर पैरासिटिज्म सिर्फ पर, फ्ली रैट पर पैरासिटिक है और पैथोजन फ्ली पर पैरासिटिक है इसको कहेंगे हाइपर पैरासिटिज्म ठीक है ओके नाउ we come to the टू uh, 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 frequency ऑफ the disease कितना kitna ये ye होती है देखा जाए तो to जो है hai throughout world it is present ठीक है medieval time में medieval time का मतलब क्या है जो सिक्स सेंचुरी से लेकर सिक्सटीन सेंचुरी सिक्सटीन सेंचुरी कौन सा कह था जैसे पंद्रह सौ छब्बीस के अराउंड मुगल्स आए थे तब तक ये जो बीच के वन थाउजेंड ईयर्स हैं इसको बोलेंगे मेडिवल टाइम तो प्लेग जो है मतलब मेडिवल टाइम में मिलियंस ऑफ डेथ का कारण था उस टाइम जो है बहुत ऐसे एक भयानक डिजीज़ ड्रेडफुल डिजीज़ मानते थे और प्लेग के कारण जो है काफ़ी कैजुअलिटीज़ होती थी बट जब ये आज का सिनेरियो जो है वो क्या है डब्ल्यू की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें 2010 से 2015 के बीच में ऑल ओवर वर्ल्ड जो है 3,248 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए जिसमें से डेथ केवल 584 लोगों की हुई है तो अब आप देखो बिकॉज वैक्सीन्स बन गई और यू कैन से टेस्टिंग बढ़ गई इस वजह से जो है टाइम पे इसको कंट्रोल कर लिया जाता है फैलने नहीं दिया जाता ठीक है और अब इतने जितने भी चाहे कितने कम केसेस हो रहे हैं यूजुअली कहाँ होते हैं अफ्रीका में है। ठीक है जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पर जो है ये ज्यादा केसेस नाइन्टी फाइव परसेंट केसेस वहीं होते ठीक है नाव अब थोड़ी सी एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं प्लेग की ठीक है अभी हमने बताया कि मेडिवल पीरियड में होता है तो आ, अगर हम सबसे वो देखें कि हिस्ट्री में सबसे डिवास्टेटिंग पैंडमिक जो प्लेग का हुआ था डिवास्टेटिंग में सबसे भयानक पैंडमिक जो हुआ था जिसमें अराउंड सेवेंटी फाइव टू टू हंड्रेड मिलियन लोगों की डेथ हुई थी ठीक है या एक मिलियन कितना होता है दस लाख तो इमेजिन करो कि कितने लोगों की डेथ हुई होगी कौन से पीरियड में थर्टीन हंड्रेड फोटी सेवन से लेकर थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी वन ठीक है कहाँ पर यूरेशिया में यूरेशिया मीन यूरोप का एक पार्ट और एशिया के जो पार्ट है उसे यूरेशिया बोलते हैं तो यूरेशिया में जो है थर्टीन फोर्टी सेवन से लेकर यानी कि चार साल के दौरान अराउंड पिछहत्तर से दो सौ मिलियन जो है वो डेथ हुई और ये मतलब ओरिएंटल रैट फ्ली जो भी यानी कि जनोपसिला च्योपस की वजह से जनोपसिला च्योपस की वजह से जो है इसकी इनकी डेथ हुई ठीक है इसके बाद आ, यू नो अगर देखा जाए तो ये जो डिज़ीज़ है ज़्यादा इफ़ यू से जैसे हमने बताया यूरेशिया में ज़्यादा हुई है तो ऐसा मानते हैं कि जो सेंट्रल एशिया ना सेंट्रल के, एशिया के जो ड्राई प्लेन्स हैं सेंट्रल एशिया में क्या आता है चाइना का बहुत आ, बड़ा रीजन रि, इसमें इंक्लूड होता है सेंट्रल एशिया में तो ये जो वहाँ से मतलब ऐसा मानते हैं कि ओरिजिन ओरिजिन हुआ डिजीज़ का प्लेग का सेंट्रल एशिया में ठीक है और वो भी ओरिएंटल रैट फ्ली के थ्रू और ये जो है यू सी कहाँ तक फैल गया ये जो है चाइना से मेडिटेरेनियन एंड यूरोप तक पहुंच गया मेडिटेरेनियन एरिया कौन सा है देखो मैं तुम्हें मैप दिखाती हूँ देखो ये क्या है ये साउथ ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ठीक है तो ये जो एरिया ना अफ्रीका के ऊपर ये जो सी है इसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी ये जो मैं तुम्हें एंड लार्ज करके दिखाती हूँ ये ये जो ब्लू कलर का है जो पूरा है ना दिस इज़ मेडिटेरेनियन सी नीचे जो है अफ्रीका है ये पूरा क्या है मेडिटेरेनियन सी है तो यहाँ पर आसपास देखो कौन सी कंट्री अल्जीरिया है मोरक्को है लीबिया है इजिप्ट है राइट यहाँ पर टर्की है तो ये जो कंट्री जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास है इन कंट्रीज़ में ये कहाँ से आया ये चाइना से आया सॉरी सेंट्रल एशिया से आया राइट तो इस तरह से जो है वो ये फैला करेक्ट अब जो है इफ यू सी कि वर्ल्ड में जो थ्री मेजर प्लेग्स आए वो कौन कौन से थे पहले आउटब्रेक को बोलते हैं जस्टिनियन प्लेग आउटब्रेक ठीक है ये जस्टिनियन प्लेग आउटब्रेक कब हुआ था अराउंड फाइव हंड्रेड फोर्टी वन यानी कि सिक्स सेंचुरी में राइट right? और उस टाइम पे ये कहाँ हुआ था मेडिटेरेनियन कंट्रीज में हुआ था या मेडिटेरेनियन बेसिन में हुआ था ठीक है और इसके बाद मानते हैं अगले दो सौ साल इसी तरह से फ्रीक्वेंट आउटब्रेक हुए प्लेग के और अराउंड पच्चीस मिलियन लोगों की डेथ हुई ड्यूरिंग दिस आउटब्रेक उसके बाद जो सेकेंड मेजर आउटब्रेक हुआ उसको कहते हैं ब्लैक डेथ और ग्रेट प्लेग ठीक है ये चाइना में अराउंड थ्री थर्टीन हंड्रेड थर्टी फोर में ओरिजिनेट हुआ और ये सिल्क रूट के तहत सिल्क रूट से ये यूरोप पहुंच गया सिल्क रूट क्या था सिल्क रूट एक रोड रूट था जो चाइना से वेस्टर्न कंट्रीज़ को जाता था और वहाँ से काफ़ी यू you नो know, बिज़नेस होता था काफ़ी चीज़ों का लेन देन होता था तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है ए, ए, जो चूहे वगैरह ट्रांसपोर्ट हो गए होंगे मानते हैं सामान के साथ इस तरह से यूरोप जो है वो पहुँच गया ठीक है और ऐसा मानते कि उस टाइम पे ग्रेट प्लेग के टाइम पे अराउंड यूरोपियन जो है कि सिक्सटी परसेंट पॉपुलेशन को इसने क्लेम किया इतने लोग अफेक्ट हुए प्लेग से ठीक है जो थर्ड मेजर यू नो आउटब्रेक था वर्ल्ड का उसको कहते हैं मॉडर्न आउटब्रेक और यू कैन से थर्ड प्लेग आउटब्रेक थर्ड प्लेग पेंडेमिक ठीक है ये भी चाइना में हुआ अराउंड एटीन हंड्रेड फिफ्टी फाइव और चाइना से ये आ, मतलब चाइना से ये हांगकांग पहुंचा ठीक है और हांगकांग से दूसरी जो पोर्ट सिटीज़ हैं पोर्ट सिटीज़ यानी कि जो स, आ, समुद्र के किनारे जो सिटीज़ हैं उनमें भी ये स्प्रेड हो गया और उस टाइम पे भी मानते हैं कि अराउंड टेन मिलियन जो है वो डेथ्स हुई थी प्लेग के कारण ओके okay. में इंडिया में जो है नाइनटीन नाइन्टी फोर में अगस्त से लेकर अराउंड अक्टूबर तक जो है आ, ये प्लेग हुआ था वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं सेंट्रल स्टेट्स हैं यानी कि जैसे गुजरात है और यू कैन से कुछ इवन जो है यूनियन टेरिटरी जै यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली को भी इसने अफेक्ट किया था तो भी मिला के इफ़ यू सी इट वॉजेंट यू नो इट जो कैजटी थी वो दे वर नॉट इवन मोर देन हंड्रेड टोटल मिला के बट फिर भी इंडिया में ये हुआ था और जो इसका एपी सेंटर था वो था सूरत देखो बच्चों uh, मैं लाइक like, जब ये नाइन्टीन नाइन्टी फोर में हो उस टाइम आई वॉज इन गुजरात ओनली बड़ोडा में मैं थी तो हुआ क्या था कि उन दिनों ना बाढ़ आई थी ठीक है बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए थे गुजरात में और उसके कारण क्या हुआ था कि बहुत सारे जो चू जो चूहे हैं ना वो अपने जो अपने बरोज में रहते हैं उनकी डेथ हो गई तो उसके वो डेथ होने के बाद काफ़ी सारे जो डेड रैट्स हैं ना वो बाहर आ गए ठीक है और वर लाइंग इन ओपन एरियाज करेक्ट तो उससे जो है उन डेड रैट्स से जो भी एकदम ओपन एरिया में ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ मिंगल मतलब मिंगल बाढ़ में तो सब कुछ इधर से उधर ट्रांसफर होता रहता है ना खासकर स्लम वगैरह में उनसे जो है ये प्लेग फैला हालांकि रोक लिया था आईज राइट इन 1994 करेक्ट सो दिस वाज अबाउट यू नो मेजर प्लेग पेंडेमिक्स ऑफ वर्ल्ड नाउ व्हाट आर प्लेग्स राइट right. टाइप से हम देखें तो सबसे पहले वाला है वो बॉनिक प्लेग ठीक है ये जो है इसको हमने नंबर वन पे इसलिए लिया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का प्लेग प्लेग है जो अक्कर वर्ल्ड में और ये यूजुअली जो है जो इन्फेक्टेड रोडेंट है या जैसे रैट है राइट right? अगर रैट ने बाइट कर लिया डायरेक्ट किसी ह्यूमन बींग को या रैट के ऊपर जो फ्ली है उसने बाइट कर लिया ह्यूमन बींग को दो रूट ठीक है, है? बिकॉज राइट तो इन दोनों रूट से ये जो है ह्यूमन बींग में आता है और ह्यूमन ह्यूमन बींग में क्या होगा बुबॉनिक प्लेग में ये लिम्फैटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है ठीक है और जो आ, कैसा अफेक्ट करेगा जितने भी लिम्फ नोड्स है ना उनकी स्वेलिंग हो जाती है करेक्ट एंड अगर हम आ, 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 ये आ, आ, इस तरह से जो है ये स्प्रेड होता है दूसरा टाइप का प्लेग जो है वो है न्यूमोनिक प्लेग न्यूमोनिक नु, प्लेग पी एन ई यू एमओ एन आई सी ठीक है न्यूमोनिक प्लेग एक बार मैं फिर से स्पेलिंग लिख लेती थोड़ा सा तुम्हें क्लैरिटी हो जाए मैं थोड़ा राइटिंग न्यूमोनिक प्लेग करेक्ट एज द नेम इंडिकेट न्यूमोनिया मीन्स इट इज रिलेटेड विद लंग्स राइट तो ये जो है देखा जाए तो सबसे जो है लीथल फॉर्म है प्लेग का ठीक है और ये जो है आ, ये जो प्लेग सबसे पहले किसको अफेक्ट करता है लंग्स को अफेक्ट करता है ठीक है और लंग्स आ, से क्या होता है जब जैसे कोई खांसता है स्नीज करता है कफ करता है उससे जो है ये जो बैक्टीरिया है ये किस में आता है एयर से और एयर से जो हेल्दी पर्सन है वो इनको बैक्टीरिया को इनहेल कर लेता है और उससे जो है क्योंकि जो बैक्टीरिया सिस्ट्स आते हैं ना एयर में सिस्ट आते हैं वो सिस्ट इनहेल हो जा, हो जाते हैं ह्यूमन हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को उससे जो है uh, उसे जो है प्लेग हो जाता uh, है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है न्यूमोनिक प्लेग के कि इसमें क्या होता है कि एक सबसे एज अफेक्ट्स लिंक लंग्स तो देर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ठीक है दूसरा इफ़ यू सी कि uh, कफिंग होती है ऑब्वियसली खांसी तो आएगी ठीक है फीवर आएगा और स्पूटम यानी कि में क्या आएगा ब्लड आएगा जिसे कहते हैं ब्लडी स्पूट। ओके okay, जब थूक में जब ब्लड आता है तो उसे कहते हैं ब्लडी स्पूटम टी यू एम राइट नाउ थर्ड टाइप ऑफ प्लेग इज नोन एज सेप्टीसीमिक प्लेग राइट right. इसमें जो है बैक्टीरिया जो है ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है राइट right. और जो है जो पेशेंट है या जो जफरर है उसे जो है क्या क्या सिम्टम्स आते हैं एबडोमिनल पेन होता है राइट right. डायरिया हो जाता है नॉजिया हो जाता है वॉमिटिंग हो और एक्स्ट्रीम वीकनेस और जो स्किन है ना वो ब्लैक हो जाती है जिसे हम कहते हैं गैंग्रीन जगह जगह पर स्किन जैसे पूरे जो है ना इस तरह से टिप्स भी है या जो जॉइंट्स है वहाँ पे ब्लैक हो जाते हैं डेड ऐसा लगता है जैसे वहाँ का एरिया जो है डेड हो गया जिसको कहते हैं गैंग्रीन राइट अच्छा जैसे हमने बताया कि एपिडेमियोलॉजी यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो बुबॉनिक प्लेग है वो बाय इंसेक्ट बाइट से या रोडेंट के बाइट से होता है और जो न्यूमोनिक प्लेग है वो इनहेल करके होता है जब थ्रू एयर यानी कि स्प्रेड होता है एक और यू you नो know, वो है कई बार है ना जो जैसे डोमेस्टिक कैट्स वगैरह अगर वो किसी को स्क्रैच कर दे पंजा वगैरह मार देती है या काट ले उससे भी जो है प्लेग जो है स्प्रेड होता है तो so ये जो है हमने डिस्कस नहीं किया था राइट नाउ इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि पैथोजन के एंटर होने के बाद और सिम्टम्स के बीच के पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड वो जो है बुबोनिक प्लेग प्लेग का एक से सात दिन तक का है ठीक है एक से सात दिन के एक्सपोजर के बाद जो है सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं ठीक है और जो बुबोनिक प्लेग है उसके जो अगर हम वो सिम्टम्स बताएं तो उसमें जैसे फीवर है फीवर आता है ठंड चढ़ती है चिल्स हेडेक होता है बुबोनिक प्लेग का कर रहे हैं ठीक है मसल पेन भी होता है इसमें वीकनेस ठीक है और कई बार दौरे भी पड़ते हैं जिसको हम कहते हैं सीजर्स राइट right. इसके अलावा जो लिम्फ ग्लैंड्स है ना वो कई स्वेलिंग उनमें बड़ी पेनफुल होती है और वो स्वेलिंग होती है जिसको और ब्लैक कलर की हो जाती हैं और उन सोलिन ग्लैंड्स को बोलते हैं बूबोज राइट right. जो कि ग्रोइन एरिया में या आर्म पिट या नेक में इस इस तरह जो है इस वाले एरिया में जो हमारे लिम्फ ग्लोड ग्लैंड हैं उनको अफेक्ट करती है ठीक है बहुत ही रेयर केसेस में ना मैनजाइटिस भी हो जाता है मैनन्जाइटिस का मतलब क्या है कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं है जो डिफरेंट मैनेजल मैम्स के बीच में उसकी स्वेलिंग हो जाता है उसमें जो है इंक्रीज हो जाती है अमाउंट एज रिजल्ट ऑफ एजल्टर इज स्वेलिंग इन द यू नो ब्रेन ओके नाउ कम्स डायग्नोसिस ट्रीटमेंट यानी कि प्लेग का ट्रीटमेंट क्या है पहले हम देखते हैं बुबॉनिक प्लेग का ठीक है बुबॉनिक प्लेग जो है मतलब एज इट अफेक्ट लिम्फ ग्लैंड तो लिम्फ ग्लैंड्स का का टिश्यू लेके उसकी जांच होती है जिसको हम कहते हैं बायोप्सी ठीक है न्यूमोनिक प्लेग को कैसे आ, डिटेक्ट करते हैं न्यूमोनिक प्लेग को ब्रोंकोस्कोपी ब्रोंकोस्कोपी का मतलब होता है कि जो फ्लूड है वो लंग्स से थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू उसको लिया जाता है और उसकी जो है माइक्रोस्कोपिक जांच होती है माइक एग्जाम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है जो थर्ड टाइप का प्लेग है दैट इज सेप्टी सेप्टीसीमिक एस सी ई सेप्टीसीमिक प्लेग जो है क्योंकि ये ब्लड में पाया जाता है तो सीधी सी बात है इसके लिए जो है ब्लड टेस्ट किया जाता है कि कहीं ब्लड में जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट तो नहीं है जो कि डिजीज़ कॉज करता है ओके नो कम्स प्रोफाइल एक्सेज यानी कि इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं प्लेग से ठीक है सीधी सी बात है कि सबसे पहले तो आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट ठीक है उसको जो पर्टिकुलरली हम उसकी बात करें जिसको न्यूमोनिक प्लेग है जस्ट राइटिंग बहुत ही खराब आ रही है न्यूमोनिक प्लेग वाले पेशेंट को ताकि वो जब एक्जेल करेगा या ड्रॉपलेट्स या बाहर की तरफ छोड़ेगा उसे कोई हेल्दी पर्सन इनहेल ना कर ले दूसरा जो है प्रोफाइलैक्टिक मेजर है कि जो भी मेडिकल केयरगिवर्स हैं या यू कैन से जो मेडिकल पर्सनल हैं वो जो है स्ट्रिक्ट प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएं ताकि वो बड़ा केयरफुली उस पेशेंट को ट्रीट करें ताकि उसके कांटेक्ट में ना आ सके ठीक है दूसरा ये है कि और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कि प्लेग वैक्सीन आ गई है ठीक है ये जो प्लेग वैक्सीन है ये जो है बुबोनिक प्लेग के लिए तो काफ़ी इफेक्टिव है पर न्यूमोनिक प्लेग के लिए इतनी इफेक्टिव नहीं है रिसेंटली जो है कुछ लाइव वैक्सीन्स या एटेनड वैक्सीन्स भी डेवलप करी हैं टू तो प्रिवेंट द डिजीज ठीक है और फोर्थ वन इज़ कि फ्ली बाइट से थोड़े से प्रिकॉशन लिया जाए तो फ्ली बाइट से प्रिकॉशन यानी कि जो स्मॉल एनिमल्स लाइक रोडेंट्स हैं या रैट्स हैं उनसे दूरी बनाई जाए ताकि वो उसके जो स्प्लीज़ या उसके बाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ सके नाउ थेरेपी यानी कि ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है देखा जाए तो प्लेग जो है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है और उसके लिए एकदम अर्जेंट देर इज नीड फॉर अर्जेंट केयर अगर अनट्रीटेड रहे तो विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स इफ ए ट्रिम मीन्स अनट्रीटेड लॉस्ट दि इफ इट रिमेन्स अनट्रीटेड तो विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स जो है पेशेंट की डेथ भी हो सकती है राइट right? तो अगर ट्रीटमेंट जो है सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट वो है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है कौन सी एक तो जेंटामाइसिन और या फिर सिप्रोफ्लोक्सासन ठीक है। और जो न्यूमोनिक प्लेग से सफर करते हैं उनके लिए तो देखा जाए तो इंट्राविन दिया जाता है उन्हें ठीक है ऑक्सीजन दी जाती है और कई बार ब्रीथिंग सपोर्ट भी दी जाती है वेंटिलेटर वगैरह की मदद भी ली जाती है ठीक है ट्रीटमेंट जो इसका लंबा चलता है सेवरल वीक फ्यू मतलब फ्यू वैसे, वैसे, कई हफ्तों तक चलता है इवन जो है फीवर खत्म हो गया उसके बाद भी राइट आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच